बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आस्था से बड़ा कोई विश्वास नहीं होता है, संपत्ति नहीं होती है, और समर्पण ही सबसे बड़ी चीज होती है। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को आपने बताया कि खरीदारी के लिए शुभ वस्तु क्या रहेंगी, लेकिन शुभ मुहूर्त क्या होगा ये भी बताइएगा कि शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से धनतेरस पर आपके घर पर धन वर्षा होती है तो कैसे हो सकती है, ये जानना चाहेंगे कि धनतेरस पर पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले धन त्रयोदशी के दिन विशेष रूप से खरीदारी के अगर समय को लेकर के बात किया जाए, सायंकाल में 5:27 आप प्लीज नोट कर सकते हैं, आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। शाम को 5:27 से लेकर के और 8:32 सायंकाल में 5:27 से लेकर के 8:32 का जो मुहूर्त है, ये जो भी वस्तु आप खरीदना चाहते हैं अपने श्रद्धा अनुसार अपने सामर्थ्य अनुसार उस वस्तु को आप खरीद करके लेकर के आ सकते हैं। पूजन के मुहूर्त को अगर हम लेकर के बात करते हैं कि पूजन किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय पर अगर हम चर्चा करते हैं तो जो भी हम चाहे वो लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को लेकर के आते हैं या भगवान विष्णु की प्रतिमा को लेकर के आते हैं या पूजन के लिए जो भी बर्तन इत्यादि हम लेकर के आते हैं, आज का एक नियम होता है धन त्रयोदशी का कि बर्तन को स्वच्छ करना चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए, अपने घर की सफाई इत्यादि करना चाहिए। जैसे झाड़ू खरीदने का बड़ा नियम है, इस दिन झाड़ू बहुत जरूरी लोग खरीदते हैं, तो यदि झाड़ू इत्यादि सफाई के जो उपकरण हमको खरीदने हैं उसको हमको मॉर्निंग में 10 से लेकर के और 12:20 के बीच में खरीदना चाहिए। 10 से लेकर के 12:20 के बीच में जो झाड़ू इत्यादि आप खरीद रहे हैं, पोछा इत्यादि खरीद रहे हैं, सफाई का कोई चीज, तो उसको सुबह खरीदिए। उससे पूरे घर को पूजा के लिए बर्तन लेने जाने से पहले या पूजा के लिए प्रतिमा इत्यादि लेने जाने से पहले सफाई घर की हो जानी चाहिए, यह हमको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, हमको 5 दिन के लिए, ये लक्ष्मी जी के जन्मोत्सव को मनाया जाता है, धन्वंतरी ऋषि के जन्मोत्सव को मनाया जाता है, तो हमको ये खास कोशिश करना है कि घर के अंदर मांसाहार इत्यादि ना हो, जो वेद विरुद्ध चीजें है वो हमारे घर के अंदर ना हो, तो उनको हमको बाहर निकाल देना है। सफाई पूरे घर की स्वच्छता कर लेनी है, कोशिश करना है घर के अंदर गंगा जल का छींटा इत्यादि हमको लगा दिया जाए, और कोशिश करें घर के बाहर सुंदर रंगोली इत्यादि बना सकते हैं उसको बना दिया जाए। फिर सायंकाल में मूर्ति इत्यादि लेकर के आना है, बर्तन इत्यादि लेकर के आना है, जो शाम का मुहूर्त मैंने आपको 5:27 की बात बताया है, इसमें जरूर इसको लेकर के आए। कोशिश करें एक पात्र लेकर के आए, पात्र का मतलब है कलश स्वरूप लेकर के आए, आप उसको तांबे का लेकर के आ सकते हैं, आप उसको चांदी का लेकर के आ सकते हैं, आप उसको स्टील का लेकर के आ सकते हैं, इवन आप मिट्टी का भी लेकर के आ सकते हैं, और एक लाल वस्त्र जरूर लेकर के आए, बड़ा सुंदर शायद शरीर की आरोग्यता के लिए और उसके साथ में घर की बाकी प्रसन्नता के लिए लक्ष्मी जी के आह्वान के लिए बड़ा सुंदर उपाय जो है वो आपके लिए बता रहा हूँ। सो क्या करना है, उस कलश को लेकर के आना है, उसमें चावल भरना है, कोशिश करें 5 गांठ हल्दी भी साथ में डाल दें, पॉसिबल हो थोड़ा केसर डाल दें और एक सिक्का डाल दें, फिर वो जो कपड़ा मैंने बताया है लाल उसको ला करके उस कलश पर बांधें और फिर मोली से 7 बार उसको बांध करके स्वास्तिक उस पर सुंदर तरीके से अंकित कर दिया जाए और उस कलश को हाथ में लेकर के अमृत स्वरूप ये आराधना करते हुए श्रद्धा से कि हे ऋषि धन्वंतरी, आप हमारे घर में आदि शक्ति लक्ष्मी के स्वरूप में लक्ष्मी के साथ आकर के विराजमान हो, इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए उस पर जल का छींटा लगाना, तिलक लगाना, श्रद्धा से प्रणाम करके और अपने मंदिर में आपको उठा करके स्थापित कर देना होता है या फिर जहां धन इत्यादि रखते हैं उस तिजोरी में ला करके स्थापित कर देना होता है। ध्यान रखिएगा, इससे पूरे वर्ष आपके घर में दवाइयों पर खर्च बहुत कम होगा और घर में लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके बनी रहेगी। तो ये सुंदर उपाय है जिसको करना चाहिए, तो ये पूजन की प्रक्रिया है, खैर यम दीपक इत्यादि की प्रक्रिया भी है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल आचार्य जी, ये भी बताइएगा क्योंकि देखिए आपने अभी स्वास्थ्य का जिक्र यहाँ पर किया है और जैसे कि हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, अगर हम स्वस्थ होते हैं तो सब कुछ हमारे पास होता है, तो स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, धनतेरस के इस मौके पर किन उपायों का सभी इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर स्वास्थ्य को लेकर के बात किया जाए, बिकॉज आज का जो दिन ही है वो बड़ा सुंदर है, वो दिन इसलिए सुंदर है
क्योंकि शरीर आरोग्यता के सबसे प्रबल ऋषि, शरीर आरोग्यता के कारक जो भगवान विष्णु का एक सुंदर स्वरूप है, जो शरीर की आरोग्यता को प्रदान करने वाला है, वो धन्वंतरि का है। और उनका प्राकट्य होता है, और प्राकट्य भी किस स्वरूप में होता है, अमृत का जो कलश है जिसके लिए वो समुद्र मंथन हो रहा था, उस अमृत के कलश को लेकर के प्रकट होते हैं। यानी उनकी आराधना से शरीर अमृतत्व को प्राप्त होता है, शरीर के रोग दूर होते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इस दिन बड़े श्रद्धा पूर्वक शरीर पर इत्र इत्यादि जल में डाल करके स्नान करना होता है, गंगा जल डाल करके और स्नान करना होता है। औषधि अगर संभव हो, आपके अंदर सामर्थ्य हो, तो औषधि का वितरण, यानी किसी गरीब इत्यादि के लिए आप औषधि के स्वरूप में शहद का वितरण कर सकते हैं। शहद भी एक प्रकार से औषधि हो सकती है, शहद वितरण कर सकते हैं। उसके साथ आप जो भी ये हैं ऐसी दवाइयाँ, जैसे च्यवनप्राश इत्यादि है, आप उसको उठा करके लोगों को वितरण कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, 11 पत्ते तुलसी के तोड़ करके और भगवान विष्णु का स्मरण करके, अगर घर के अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति इत्यादि है या फोटो इत्यादि है या आसपास मंदिर है, तो जा करके उनके चरणों में श्रद्धा से रखना चाहिए, और वहीं पर अपने नेत्रों को बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करना चाहिए, और जप करने के बाद उस तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए अमृत का ही कार्य करने वाले हैं तुलसी के पत्ते। आप देखेंगे आपके शरीर के मुश्किल से मुश्किल रोगों का निदान आपको अपने जीवन में प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये एक सुंदर तरीका है, साथ में गंगा जल का छींटा लगाने से घर के अंदर पवित्रता उत्पन्न होती है। तो ये सुंदर उपाय है जिसको प्रयोग किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये आपने बताया उपाय क्या क्या है, भगवान धन्वंतरी की पूजा विधि विधान से किस तरीके से की जाती है ये भी आपने बताया, लेकिन क्या कोई ऐसा खास मंत्र है जिसका उच्चारण करने से इस दिन को, इस त्योहार को और भी ज्यादा शुभ मनाया जा सकता है, इसका जाप करने से धन धान्य और आरोग्य हो सकते हैं? सबसे पहले अगर इस दिन के लिए सबसे सुंदर बनाना है तो आदि शक्ति की आराधना करते हुए, आदि शक्ति लक्ष्मी के स्वरूप का स्मरण करते हुए बहुत श्रद्धा से घर की जो मुख्य महिला है, सबसे पहले घर के महिलाओं को बड़ा ध्यान रखना होता है। ये बड़ा सुंदर उपाय बता रहा हूं घर की मुख्य महिला के लिए। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन महिला अपने आप को लक्ष्मी स्वरूप में समझना चाहिए। किस प्रकार से, सुंदर श्रृंगार करना चाहिए, अपने आप को सुंदरता से तैयार करना चाहिए, बिछुआ जरूर पहनना चाहिए, पैर में पायल जरूर पहनना चाहिए, विवाहित हैं मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, और आलता जो कि वो रंग पैर में लगाया जाता है, अगर पॉसिबल हो तो उसका प्रयोग करना चाहिए, और प्रयोग करके अपने आप को सुंदर तैयार करके अपने अंदर लक्ष्मी स्वरूप का स्मरण करते हुए बहुत सुंदर मंत्र है, देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परमम सुखम, देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र को 11 बार उच्चारण करना चाहिए, और उच्चारण करते हुए अपने अंदर लक्ष्मी जी का स्मरण करना चाहिए, लक्ष्मी जी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, और आदि शक्ति से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ, जाने में अनजाने में इस जन्म में या पूर्व जन्म में मुझसे या मेरे परिवार से यदि कोई भूल हुई हो तो उन्हें क्षमा करके हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाएं, सभी के शरीर में आरोग्यता रहे, घर में सुख शांति रहे, परिवार में प्रसन्नता रहे, ये प्रार्थना श्रद्धा।